नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। आम आदमी पार्टी आपके वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को राज्यसभा में उनकी नई पारी के लिए बधाई दी। बुधवार को राज्यसभा में अपने संबोधन में राघव चड्ढा ने कहा कि वह आम आदमी पार्टी और उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उपराष्ट्रपति की किसान पृष्ठभूमि होने के कारण राज्यसभा में किसानों के मुद्दे को पहले से अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। चड्ढा ने कहा कि वह कृषि प्रधान राज्य पंजाब के प्रतिनिधि, इसलिए वह राज्यसभा में पंजाबियों और किसानों के जुड़े मुद्दों को जोर शोर से उठाते रहेंगे। उन्हें विश्वास है कि उपराष्ट्रपति उन्हें पूरा समय और समर्थन देंगे। चड्ढा ने मजाकी अंदाज में कहा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राज्यसभा में सबसे वरिष्ठ है और वह चड्ढा सबसे कम उम्र के सांसद हैं, इसलिए धनखड़ एक परिवार की तरह उनका खास ख्याल रखेंगे। राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने भी मजाकी अंदाज में इसका जवाब देते हुए कहा कि मैं जिन्हें प्यार और सम्मान देता हूं, वही सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करते हैं। तो जो परिवार का सबसे बड़ा होता है वो परिवार के सबसे छोटे सदस्य का खास ख्याल रखता है सर, उसे ज्यादा प्यार देता है, उसे बोलने का ज्यादा मौका देता है, उसे ज्यादा इंटरवेंशन देता है, उसके जीरो आवर ज्यादा सिलेक्ट होते हैं, उसके स्टार क्वेश्चन ज्यादा लगते हैं और उसे थोड़ी शैतानी करने की भी छूट होती है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपका विशेष प्यार और विशेष स्नेह हमारी छोटी पार्टी और सदन के छोटे सबसे युवा सदस्य होने के नाते मेरे प्रति रहेगा। सर, आपको इस नई पारी के लिए ढेरों शुभकामनाएं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। Those whom I love and respect, they suffer the most. Raghav Chadha. सर, मैं आम आदमी पार्टी की ओर से, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और इस नई पारी के लिए आपको खूब सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका सफर, जीवन का सफर एक बहुत बेहतरीन सफर रहा। एक साधारण से किसान परिवार में जन्म लेने के बाद आपने कई संघर्षों का सामना किया और एक विधायक के तौर पे, सांसद के तौर पे, मंत्री के तौर पे, राज्यपाल के तौर पे और अब देश के उपराष्ट्रपति के तौर पे, राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पे आपको अपनी सेवाएं देने का मौका मिला। हम जैसे लाखों युवाओं के लिए आपका जीवन, आपका करियर एक प्रेरणा स्रोत है सर। इसी के साथ साथ मैं एक कृषि प्रधान सूबे का प्रतिनिधित्व इस सदन में कर रहा हूं, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव बनके इस सदन में आया हूं और ये मेरा मानना है कि क्योंकि आप एक किसान परिवार से आते हैं, आपका परिवार सदैव से खेती और किसानी से जुड़ा रहा है, तो इस देश के किसानों के मुद्दे इस सदन में गूंजेंगे और उनके अधिकारों की बात होगी। इसी के साथ साथ सर, बीते कुछ हफ्तों में जब से आप उपराष्ट्रपति बने, आपने इस सदन के लगभग सारे सदस्यों से एक व्यक्तिगत रिश्ता सा बनाया है। मुझे भी सौभाग्य मिला 2-3 बार आपसे मिलने का और जो प्यार, जो स्नेह, जो वॉर्म्थ हमें आपसे मिली, मैं आज उसके आधार पर कह सकता हूं कि इस सदन के बहुत सारे सदस्य केवल पार्लियामेंट्री इश्यूज ही नहीं, बहुत सारे पर्सनल लाइफ के इश्यूज भी आपसे डिस्कस करने में हिचकिचाएंगे नहीं। सर, आप इस सदन के अध्यक्ष हैं, यू आर दी एल्डेस्ट इन द हाउस। मैं सदन का सबसे कम उम्र का युवा सदस्य हूं, आई एम द यंगेस्ट इन द हाउस। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।